eating only chocolates for 24 hours challenge. देख ले सब देख ले। क्या है? इतना भी बुरा नहीं बना है। इसकी मम्मी का दिमाग ना थोड़ा सा खराब है। मैंने जिंदगी में पहली बार कोई केक बनाया है। आजा डूब जाऊं तेरे चॉकलेट के ओशन में, स्लो मोशन में। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या आप में से भी किसी ने मेरी तरह चॉकलेट के ओशन में डूबने का सपना देखा है? नहीं। मैंने बचपन में देखा था, लेकिन वो सपना कभी पूरा नहीं हुआ। मेरे मम्मी पापा ने पूरा नहीं होने दिया। एक्चुअली अच्छा ही किया, मुझे चॉकलेट्स इतनी पसंद थी कि अगर मैं ज्यादा खाती ना तो आज मेरे सारे दांत सड़ गए होते। अगर आप छोटे बच्चे हो तो आप ज्यादा चॉकलेट मत खाना, लेकिन क्योंकि मैं अब बड़ी हो गई हूँ इसीलिए मैं अब अपना मन पूरा कर सकती हूँ। आज मैं करने जा रही हूँ ईटिंग ओनली चॉकलेट्स फॉर 24 आवर्स चैलेंज, क्योंकि आज मैं आप सबका फेवरेट चैलेंज करने जा रही हूँ। बहुत ही रिक्वेस्टेड चैलेंज है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। 100K का लाइक टारगेट है। और हाँ यार, ये क्या है, मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स का रेशो बहुत कम है बॉस। आप लोग आते हो, वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। ऐसा मत करो प्लीज, सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो अब मैं जा रही हूँ चॉकलेट शॉपिंग के लिए। बचपन से मॉम डैड इतने स्ट्रिक्ट थे ना कि घर में मैं अभी भी ज्यादा चॉकलेट्स रखती नहीं हूँ, तो इस चैलेंज के लिए बढ़िया बढ़िया चॉकलेट्स लेकर आते हैं। आ जाओ। चॉकलेट शॉपिंग करने के लिए मैं आ गई हूँ मेरे फेवरेट आनंद स्टोर में, जहाँ पे घुसते ही इतना बड़ा चॉकलेट का सेक्शन है बॉस। आई एम गोना गो क्रेजी। लग रहा है मैंने पूरे एक साल की चॉकलेट शॉपिंग कर ली है। अब मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं है, तो मैं जा रही हूँ चॉकलेट हेवन ब्रेकफास्ट करने के लिए। चलो। गाइस, दिस इज माय फर्स्ट डिश। ये है डार्क चॉकलेट डेविल पैनकेक्स। And this is my second item, chocolate mud pot. ऐसा चॉकलेट ब्रेकफास्ट मैंने आज तक पहले कभी नहीं खाया, और ये वाकई में हेवनली है, काफ़ी हैवी भी है। देखती हूँ ख़त्म कर पाती हूँ कि नहीं। I'll see you guys in a bit, okay? A few inches later. इतना सारा चॉकलेट का सामान लेकर आई, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि लंच का क्या करूं। यार ये चैलेंज मुझे जितना आसान लग रहा था ना, उतना है नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? सुबह मेरा इतना मीठा 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 ब्रेकफास्ट हो गया है कि मुझे लंच में कुछ सेवरी चॉकलेटी डिश खाने का मन कर रहा है। What? अब ऐसी डिश कहाँ से आएगी? YouTube जिंदाबाद। लेकिन ये डिश मैं अपने फोन पर नहीं ढूंढूंगी। आई हैव टू शो यू गाइज समथिंग स्पेशल, फॉलो मी। टाडा गाइज, ये है मेरा
है नया 50 इंचेस का Realme स्मार्ट टीवी विद 4K डिस्प्ले. यू नो दिस टीवी हैज टेकन माय व्यूइंग एक्सपीरियंस टू द नेक्स्ट लेवल. ये मेरा लाइफस्टाइल अपग्रेड आई थिंक 3.0 हो गया. इस टीवी में ना इनबिल्ट गूगल असिस्टेंट है जो मेरे एक इशारे पर मेरे सारे काम कर देती है. ओके गूगल, शो गरिमा'स गुड लाइफ यूट्यूब चैनल. श्योर, हियर आर सम वीडियोस. रिमोट की जरूरत भी नहीं पड़ती बॉस. टेल मी द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट इज अबाउट 8849 मीटर्स हाई. पता है पहले मैं सोच रही थी कि गूगल होम या फिर एलेक्सा में इन्वेस्ट करूं, बट मेरे तो पैसे बच गए. गाइज, इसके रिमोट पे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम का डायरेक्ट एक्सेस है. एंड इट ऑल्सो कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रीलोडेड एप्स. फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आप उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो. इट हैज अ डॉल्बी विजन 4K वीडियो एंड डॉल्बी एटमॉस एंड डॉल्बी ऑडियो. मूवी देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैं थिएटर में बैठ के एक्सपीरियंस कर रही हूँ. इट इज सुपर्ब. ये टीवी इतना बड़ा है लेकिन फिर भी इसका डिजाइन इतना स्लिम और स्लीक है दैट आई हैव फॉलन एब्सोल्युटली इन लव विद इट. ऑल्सो इट हैज ब्लूटूथ 5.0. इसका मतलब कि मैं ब्लूटूथ से अपने हेडफोन्स को कनेक्ट करके रात भर अपने फेवरेट शोज बिंज वॉच कर सकती हूँ बिना किसी फैमिली मेंबर को डिस्टर्ब किए हुए. इसके रिमोट पे भी ब्लूटूथ है. मुझे हर समय टीवी की तरफ रिमोट पॉइंट आउट करने की भी जरूरत नहीं है. हाउ कूल इज दैट. Okay, Google, reduce the volume. Got it. It also has a Chromecast, which means कि आप अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को इस टीवी पर सीमलेसली कास्ट कर सकते हो. और देखो, जो काम मैं करने आई थी वो तो मैं भूल ही गई. Okay, Google, show me savory chocolate recipes. Okay, here are some videos. इनमें से कोई एक चूज कर लेती हूँ. लंच बनाऊंगी, मैं आपसे मिलूंगी किचन में. और अगर आप लोगों को मेरा ये टीवी पसंद आया तो तब तक आप लोग सारी डिटेल्स जो है वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना. See you in a bit. One death to society later. So guys, बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि लंच में मैं बनाऊंगी चौको चीज पराठा. बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी मिली. रेसिपी मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. इसके लिए मुझे चाहिए चॉकलेट जिसे मैं श्रेड करने वाली हूँ. सिंबू, मैंने कभी चॉकलेट ग्रेट नहीं की है, मेरे से बन जाएगा ना? ठीक नहीं हो रही. इट इज सो डिफिकल्ट टू ग्रेट अ चॉकलेट. ये पहला वाला ठीक था. ये है चौको चीज पराठा. आप खाओगे? आप टेस्ट करोगे? नहीं. समझ में नहीं आ रहा इसका टेस्ट कैसा है. हाँ, उसने मेरा चौको चीज पराठा रिजेक्ट कर दिया. क्या है, इतना भी बुरा नहीं बना है. एक्चुअली उतना टेस्टी भी नहीं बना है. चलो भालो, मिलते हैं शाम को चाय के टाइम पे. चाय का टाइम होता है मेरा एक्सपेरिमेंट का टाइम. मैंने इस चाय में ना शुगर नहीं डाली है, उसकी जगह मैं इसमें ये चॉकलेट सिरप ऐड करने वाली हूँ. कभी पिए आप लोगों ने चॉकलेटी चाय?
खुशबू तो इसमें से हॉट चॉकलेट जैसी आ रही है, टेस्ट कैसा है बताती हूँ। गाइस दिस इज ऑसम, ऐसा लग रहा है मैं चाय लाटे पी रही हूँ, नहीं चाय लाटे नहीं, हॉट चॉकलेट का कोई जिंजर वाला वर्जन पी रही हूँ। चाय के साथ मेरे पास बिस्किट्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बताओ कि इनमें से आपका फेवरेट बिस्किट कौन सा है, ट्राई किया है आपने? मुझे तो हाइड एंड सीक बहुत ज्यादा पसंद है, वैसे मुझे बोरबॉन भी बहुत पसंद है। मैं जब भी शूट्स पे जाती हूँ ना, कहीं पे भी ट्रैवल करती हूँ, तो ये छोटे छोटे पैकेट रखती हूँ, इंस्टेंट एनर्जी के लिए ना बहुत सही है ये। और मेरा जो इटर्नल फेवरेट है वो है डार्क फैंटेसी, लेकिन चाय के साथ मुझे लगता है कि या तो ये वाले जो क्रैकर्स हैं वो अच्छे जाएंगे, या फिर ये वाले ओट्स के चॉकलेट कुकीज। नाइस नाइसी नाइशी, सिम्बा इज शॉक्ड कि मेरी मम्मी क्या क्या करती रहती है, और उसे पता नहीं है इसकी मम्मी का दिमाग ना थोड़ा सा खराब है। भाई चाय के टाइम पे तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, डिनर में भी मैं एक और एक्सपेरिमेंट करने का सोच रही हूँ, जो मेरा बहुत टाइम से चॉकलेट के साथ करने का मन था, अभी थोड़ी बताऊंगी। चलो चलो, सी यू एट डिनर टाइम। सो गाइस इट्स डिनर टाइम नाउ। चिंबू, मम्मा ना डिनर और डेजर्ट एक साथ बनाने वाली है, ठीक है? हम बना रहे हैं चॉकलेट केक। मैंने ढूंढ निकाली है वन पॉट रेसिपी जो कि माइक्रोवेव में बनेगी। जी हाँ, सारी तैयारी कर ली है, सबको बस इसमें मिक्स करूंगी, माइक्रोवेव में डालूंगी और मेरा केक रेडी हो जाएगा। लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं इसमें डालने वाली हूँ मैदा, शुगर, 2 स्पून कोको पाउडर, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, सॉल्ट, we have to mix it well. Let's add milk, chocolate, and the last ingredient is vegetable oil. Batter is ready. कैसा बनेगा मेरा चॉकलेट केक? बराबर यहाँ बैठ के सब मॉनिटर कर रहा है। चलो इसे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करना है, सो लेट्स पुट इट इन। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, वन टू एंड वाओ, मैंने जिंदगी में पहली बार कोई केक बनाया है। मम्मा का केक बन गया। I am so excited to try my cake. All right, let's dig in. Chimbu, this is so yummy. Guys, ये केक खा के मेरा दिन सफल हो गया और आज के इस चैलेंज के बाद मेरी चॉकलेट फैंटेसी भी पूरी हो गई। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना। अच्छा लगा तो ऑब्वियसली डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना टू माय चैनल गर्मास गुड लाइफ। अगला चैलेंज क्या देखना वो भी बता देना। आजा डूब जाऊं तेरे चॉकलेट के ओशन में, स्लो मोशन में। बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।